नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डी ब्लॉग के व्लॉग के अंदर। दोस्तों आज जो 152 डी पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, यदि आपने वो मिस कर दिया तो पाई बटन में जाइएगा और उसको जरूर देखिएगा। आज 152 डी की दोबारा विजिट करते हैं और उस पर देखते हैं कि ट्रैफिक कितना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जैसे आपको पता कि वहाँ पे रिक्शा नहीं जा सकती, ट्रैक्टर ट्रॉले नहीं जा सकती, इसी के साथ में साइकिल मोटरसाइकिल मतलब सब कुछ बैन है, तो वहाँ पे ट्रैफिक कितना है, क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल हरियाणा से गुजरता है। मतलब आप बात करेंगे अंबाला और अंबाला से आप चले जाएंगे नारनौल और फिर कोटपुतली होके, तो ये बिल्कुल बीचों बीच जाता है और वहाँ पे मतलब छोटे व्हीकल या स्लो स्पीड व्हीकल को जाना बैन है। तो वहाँ पे किस प्रकार का नजारा है, क्योंकि 6 लाइन के रोड के ऊपर कितना सारा ट्रैफिक आपको मिलता है, ट्रैफिक की अपडेट देते हैं और कुछ नई अपडेट्स जो भी मिलती हैं आपके सामने शेयर करते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों बज गए हैं यहाँ पे 9 और हम यहाँ से जीत से घर से निकल लिए हैं। एक्चुअल में मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है तो उसके लिए मुझे एक गाँव लेके जाना है जो थोड़ी सा देसी सा इलाज करता है। अब उसका तो पता नहीं कि कितना आराम लगेगा, परंतु डिस्क की प्रॉब्लम के लिए वो काफ़ी बेस्ट बता रहे हैं। और मैं चाहता था कि एलोपैथिक पे डिपेंड होने से पहले, या फिर मतलब ये आप समझ लें कि यदि आप MRI वगैरह कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं, तो मैं एक बार थोड़ा सा उसको ना चेक करना चाहता था, नहीं तो फिर बाद में तो MRI वगैरह और दवाई वगैरह ये सारे काम करने ही हैं। अब हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं 152 डी के, जो क्रॉस करता है पूरे सेंट्रल ऑफ हरियाणा को, यानी कि हरियाणा के बिल्कुल सेंटर से निकलता है। और वो मेरे सामने है टोल बूथ। यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह मतलब है ही नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा है। तो यहाँ से देखते हैं और फिर आपको अपडेट करता हूँ टोल के बाद। दोस्तों काफी जद्दोजहद के बाद हम 152 डी के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे टोल पे ना थोड़ा सा मतलब एक कंट्रोवर्सी हो गई थी और वो बाद में बात करेंगे कि किस प्रकार की कंट्रोवर्सी थी, परंतु 152 डी के बारे में थोड़ी सी अपडेट मैं देता हूँ आपको। पहली बात, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम ट्रैफिक है और शायद इसका टोल रेट है काफी हाई है, इस वजह से हो सकता है कि ये रीजन हो। दूसरा, अपोजिट साइड में भी आपको ट्रैफिक नहीं नजर आएगा यदि आप देख पा रहे हैं, परंतु एक ग्रीन सी पट्टी जरूर है और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तीसरी बात, यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मेरी स्पीड 80 है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि ये सामने देख पा रहे हैं ये कैमरे लगे हुए हैं और इन कैमरों का मतलब एक ही है कि यदि और स्पीड से आप जाएंगे तो आपका चलान हो सकता है, 100 किलोमीटर से ऊपर ना चले। अब मैं बात कर रहा था अपनी, मैं 80 किलोमीटर पे चल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्लो मूव करने वाला इंसान हूँ भाई, और रोड बिल्कुल खाली है, बिल्कुल स्पाट खाली है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो मेरे से मतलब बहुत सारे लोग क्रॉस कर सकते हैं परंतु जा नहीं रहे हैं, तो यानी कि रोड बिल्कुल खाली यहाँ पे है। और इसके अलावा बिल्कुल अच्छा मेंटेन किया हुआ है, आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो आसानी से ही जा सकते हैं, इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, परंतु बहुत जगह पे आपको कैमरे दिखाई देंगे और कई जगह पे आपको ऑटोमेटिक स्पीड को जो चेक करने वाले हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं, शायद वो ऑटोमेटिक चलान के लिए लगाए गए हों। इंस्ट्रक्शन काफी क्लियर काफी साफ है क्योंकि नया रोड है। 2 किलोमीटर दूर हम नीचे मतलब वो जैसे कुछ फास्ट फूड वगैरह ले सकते हैं, रिफ्यूल करवा सकते हैं, इस प्रकार की फैसिलिटी हैं। तो मैं जो आपको ये बताना चाह रहा था कि 1 अगस्त को ये रोड खुला और अब जो आज मैं विजिट कर रहा हूँ 20 अगस्त को, तो मतलब अभी तक इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खास मूवमेंट नहीं है। आप इससे आगे एक बात और देखिए, कोई आपको रिक्शा नजर नहीं आ रही है, कोई मोटरसाइकिल साइकिल यानी कि स्लो मूवमेंट करने वाले व्हीकल बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ट्रैक्टर है ट्रॉली है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, तो शायद उनको अलाउड नहीं किया गया है। परंतु एक हार्वेस्टिंग मशीन जरूर मुझे जाते हुए दिखाई दे रही थी और जिसको हम कंपेन कहते हैं हरियाणा के अंदर, फसल जो काटते हैं, गेहूं काटते हैं, कोई भी फसल है उसको काटते हैं, तो वो जरूर नजर आ रही थी। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खाली रोड है, बड़ा मजा आपको आएगा यदि आप इस पर विजिट करते हैं। एक गाड़ी क्रॉस करेगी अभी क्योंकि वह मुझे बैक मिरर में दिखाई दे रही है और ये है हुंडई की, ये शायद 100 किलोमीटर 100 भी इसकी स्पीड नहीं है, मतलब इतनी देर से आप देख रहे हैं तो इसमें से एक गाड़ी ही बस
मूव किया और ये गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने से जा रही है। बाकी फूड कोर्ट 500 मीटर है, वो शायद अभी एक्टिव नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैंने सुना है। और अपोजिट साइड में देखोगे तो एक आध ट्रैफिक आपको जरूर नजर आएगा, कोई कोई ट्रक वगैरह जा रहा है। देखिए लाइट कितनी अच्छे पैटर्न में और कितनी शानदार तरीके से लगाई गई है, यानी कि रोड का जो डेवलपमेंट है वो बेहद बढ़िया और बेहद शानदार हो गया है। हरियाणा के अंदर बात करें, पूरे इंडिया के अंदर भी गडकरी जी की मैंने स्पीच सुनी थी तो पूरे इंडिया के अंदर काफी अच्छा। यहाँ पे यदि आप फूड कोर्ट में जाना चाहें, हॉस्पिटल यानी फर्स्ट एड के लिए, पार्किंग के लिए, बाथरूम के लिए, तो ये साइड में आप जा सकते हैं, ये साइड में बना रखी है जगह, परंतु अभी फुली डेवलप्ड नहीं है। ट्रैफिक ही इतना कम है तो ये फुली डेवलप्ड कहाँ से होगा। तो इस प्रकार से बन चुका है, कुछ हल्का फुल्का यहाँ पे, पता नहीं एक्टिव नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो रोड बिल्कुल साफ सुथरा है निसंदेह। यहाँ पे बीच में एक थोड़ा सा कट भी है कि यहाँ से आप मतलब टर्न कर सकते हैं, दूसरे अपोजिट साइड में जा सकते हैं। थ्री लाइन का है, बहुत चौड़ा रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है। यदि आपको हरियाणा को क्रॉस करना है, यदि आप आते हो अंबाला साइड से नारनौल की तरफ जाना चाहते हो, तो इससे बढ़िया रोड नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। हाँ, टोल जरूर है, 1 रुपए से ज्यादा पर किलोमीटर है, मतलब 1 रुपया पर किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो बड़ी दिक्कत होती है, ये नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है बल्कि, और इस पे ना फास्ट ट्रैफिक मोमेंट है, और बीच में जैसे ट्रक वाले ने या कैंटर वाले ने जिसने भी है यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर ली, और कोई लाइट नहीं, कोई ईंटे पत्थर वगैरह झाड़ी जोड़ी कुछ नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं है, तो ये काफी खतरनाक हो जाता है। रात के समय जब मूवमेंट करते हैं तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक फ्लाईओवर हमारे सामने आया है, मतलब ऊपर से थोड़ा सा जाल सा बना रखा है जो लोहे के, मतलब आपस में जोड़ के वेल्ड करके वगैरह। लुक की बात करूं, ग्रीनरी की बात करूं, दोनों साइड में बेहद ज्यादा हरियाली है। यदि आप इधर देखोगे बहुत ज्यादा हरियाली है, उधर देखोगे बहुत ज्यादा हरियाली है। वैसे भी मानसून सीजन है, तो मानसून सीजन में ना हरियाली ज्यादा होती है, आप समझते हैं ना। और यहाँ पे हरियाणा के अंदर सब जगह खेत ही खेत नजर आते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट एरिया तो है नहीं। तो ये है शानदार नजारा इस रोड का। आपकी गाड़ी की ऑटोमेटिक स्पीड देखने के लिए मतलब यहाँ पे कैमरा सेंसर सब कुछ बेहतरीन लगाया गया है, और यदि ये एक्टिव हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो गाड़ी की स्पीड है अभी 80 किलोमीटर पर आवर है। मुझे नहीं पता कि ये एक्टिव है या नहीं, अभी मैं देखता हूँ, और यदि स्पीड आई तो मैं आपको दिखाऊंगा। ओहो, ये तो बंद पड़ा है, यहाँ पे स्पीड सेंसर, मतलब इसमें लाइट ही नहीं थी तो स्पीड सेंसर बिल्कुल बंद थे, तो क्या दिखा पाते हैं। पेवा से हम लौट रहे हैं, और पेवा से लौट रहे हैं तो हमने जो 152D लेना था ना, वो नहीं लिया। आसमान कितना अच्छा हो रखा है यार, आपके सामने देखिए कि बादल का मतलब क्लाउड्स का मूवमेंट कैसा है, कितना शानदार है। बस दोस्तों यही कहना है आपसे, किसी प्रकार से साथ दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।